मॉर्निंग चिल्ड्रन, उम्मीद करती हूँ आप सब घर में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। आज मैं कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है रूपा डरी नहीं। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो मुसीबतों का डटकर सामना करना जानती है, डरकर भागती नहीं। तो मैं शुरू करती हूँ पाठ, आप सब भी इस पाठ को मेरे साथ दोहराएंगे। पार्ट 2, रूपा डरी नहीं। रूपा एक निडर लड़की थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वह खेलकूद में भी चुस्त थी। एक दिन वह रुचि, रूपक और मनीष के साथ चोर सिपाही खेल रही थी। मनीष चोर बनकर कहीं दूर जा छिपा था। रूपा कैसी लड़की थी? रूपा एक निडर लड़की थी। उसे पढ़ने के साथ साथ खेलकूद का भी बहुत शौक था, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ चोर सिपाही का खेल खेल रही थी। मनीष चोर बना था। रूपा मनीष को ढूंढते हुए गन्ने के खेत में जा पहुंची, पर यह क्या, मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे, उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। रूपा एक पल के लिए सहम गई, फिर साहस बटोरकर उसने मनीष के मुंह पर बंधा कपड़ा खोला। तभी किसी ने पीछे से रूपा के कंधे पर हाथ रखा। रूपा डरी नहीं, उसने उस आदमी के हाथ को जोर से काटा। दर्द के मारे उस आदमी ने अपना हाथ खींच लिया। रूपा उसकी पकड़ से निकल भागी। वह आदमी डंडा लेकर रूपा के पीछे भागा। भागते हुए रूपा की नजर एक पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर उठाया और उस आदमी की ओर जोर से फेंका। निशाना ठीक बैठा। उसके सिर से खून बहने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। रूपा ने लपक कर डंडा उठा लिया और लगी उस दुष्ट की पिटाई करने। वह बेहोश हो गया। रूपा ने भागकर मनीष की रस्सी खोली। दोनों ने मिलकर उसी रस्सी से उसे बांध दिया। रूपा ने क्या किया, पहले उसने उस आदमी को एक पत्थर से मारा। फिर जब वह आदमी लड़खड़ाकर गिर पड़ा तो रूपा ने डंडा उठाकर उसकी पिटाई की। जब वह बेहोश हो गया तो रूपा ने अपने मित्र मनीष की रस्सी खोल दी और दोनों ने मिलकर उस दुष्ट आदमी को बांध दिया। रूपा बंदी की चौकसी करने लगी, मतलब रूपा उस बंदी पर, उस दुष्ट आदमी पर नजर रखने लगी और मनीष गांव वालों को बुला लाया। गांव वालों ने रूपा के साहस की बहुत प्रशंसा की। एक आदमी ने बंदी को पहचान लिया और बोला, अरे यह तो अपने गांव से भागा हुआ दुष्ट खचेरू है, पुलिस इसको गिरफ्तार करना चाहती है। उस दुष्ट आदमी का नाम क्या था? खचेरू, जो कि एक भागा हुआ आदमी था। खचेरू को होश आया तो उसने अपने आप को जेल में पाया। उसका मुंह सूजा हुआ था और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। खचेरू को जब होश आया तो उसने अपने आप को कहाँ पाया? जेल में पाया। और उसका मुंह सूजा हुआ था, मतलब उसकी बहुत पिटाई हुई थी और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने पुलिस को बताया, मेरे कुछ साथी आज रात को मुखिया के घर डाका डालेंगे। यह समाचार मिलते ही पुलिस चौकन्नी हो गई। रात के समय स्कूल के पास एक जीप रुकी, उसमें से 4 डाकू बाहर निकले। पुलिस ने तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। अगले दिन समाचार पत्रों में डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ रूपा के बड़े बड़े चित्र छपे थे। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलती है कि रूपा ने डट कर सामना किया, किसी भी मुसीबत से घबराया नहीं। तो हमें भी मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, उसका साहस से मुकाबला करना चाहिए। रूपा ने ऐसा किया, इसीलिए सब लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की और उसका चित्र समाचार पत्र में निकला। अब आप पेज नंबर 16 में आइए, जहां अभ्यास में शब्द और अर्थ दिए हुए हैं। यह शब्द आप पढ़ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे और कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद वर्तनी, मैंने वर्तनी दिया है, इस वर्तनी को आप कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे। एक बार आप वर्तनी मेरे साथ दोहराएंगे। बोलिए, निडर, शौक, चुस्त, ढूंढते, बंधे, मुंह,
कंधे, बटोर कर, खींच, डंडा, पत्थर, आँखों, अंधेरा, लड़खड़ाकर, दुष्ट, रस्सी, चौकसी, प्रशंसा, गिरफ्तार, चौकन्नी, बंदूक, पट्टी, साहस। फिर मौखिक और लिखित है, मैंने उत्तर दे दिया है, आप प्रश्न अपने पाठ्यपुस्तक से लिख लेंगे। मौखिक और लिखित आप लिख लेंगे, उत्तर दिया हुआ है। अब आप पेज नंबर 18 में आइए। भाषा से भाषा ज्ञान, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, समानार्थक शब्द लिखे, यहाँ मतलब समान अर्थों के समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, तो मैंने यह भी दे दिया है, आप इसे लिख लेंगे। नंबर दो में है संयुक्त व्यंजन से शब्द लिखें, वह भी दिया हुआ है। नंबर तीन में रू रू और रू का अंतर समझे और शब्द लिखे, आप शब्द लिख लेंगे। फिर है पाठ में से 5 नाम शब्द चुनकर लिखो। नाम शब्द किसे कहते हैं, संज्ञा को कहते हैं, संज्ञा सभी नाम शब्द संज्ञा कहलाते हैं। पाठ में 5 नाम शब्द कौन कौन से हैं, रूपा, रुचि, रूपक, मनीष और खचेरू, ये 5 नाम हैं जिसे हम संज्ञा भी कहते हैं। उसके बाद नंबर 5 में आइए, लिंग बदले, जब पुल्लिंग दिया हुआ है तो उसे स्त्रीलिंग करेंगे और अगर स्त्रीलिंग में दिया हुआ है तो उसे तरह में आइए। कहानी के अनुसार सही बात पर निशान लगाओ, रूपा की पढ़ाई में रुचि नहीं थी, गलत, रूपा निडर और साहसी थी, सही, मनीष को किसी ने धक्का दिया, गलत, रूपा ने डाकू की डंडे से पिटाई की, सही, रूपा की फोटो अखबार में छपी, सही, डाकू का नाम रूपक था, गलत। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो, रूपा मनीष को ढूंढते हुए गन्ने के खेत में पहुंची। ख देखिए, आदमी डंडा लेकर रूपा के पीछे भागा, रूपा और मनीष ने डाकू को रस्सी से बांध दिया, पुलिस डाकू को गिरफ्तार करना चाहती थी, डाकुओं के पकड़े जाने की घटना समाचार पत्रों में छपी, रूपा ने भागकर मनीष की रस्सी खोली, समाचार सुनते ही पुलिस चौकन्नी हो गई। हो गया, अब आप सोचकर लिखो दिया हुआ एक प्रश्न, रूपा जैसे साहसी बच्चे से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। रूपा जैसे साहसी बच्चों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि और साहस के साथ मुसीबतों का डटकर मुकाबला करना चाहिए, मुसीबतों से डरकर भागना नहीं चाहिए। तो यह पाठ यहीं समाप्त होता है, उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा, जो भी मैंने दिया है उसे आप कॉपी में उतार लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।